अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सुलहरिया और आप देख रहे हैं सुलहरिया राइड्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं काइन मास्टर एप्लीकेशन, ठीक है, न्यू वर्जन में, ठीक है। तो काफ़ी दोस्तों के पास है, किसी के पास वाटर मार्क इस पर आता है, तो इसकी क्या खसूसियात आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो उस फाइल को लगा होगा पासवर्ड, ठीक है, तो आपने ओपन कर ले के लिए वीडियो को मुकम्मल देखना है। अगर आप यूट्यूब चैनल चलाते हैं या कोई भी अपनी पोस्ट वगैरह तैयार एडिटिंग करते हैं, वीडियो एडिटिंग करते हैं, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन ये काइन मास्टर है, ठीक है, एप्लीकेशन। तो आपने अगर इसको डाउनलोड करना है तो उसके लिए आपको पासवर्ड चाहिए। पासवर्ड चार हिस्सों में इसी वीडियो में बताऊँगा, तो आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस तरह, और बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कर लें। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए चलते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो आज की फाइल का जो पहला पासवर्ड है वो है मून MOON, ये तमाम जो पासवर्ड बताऊँगा चार हिस्सों का, इसमें कोई स्पेस नहीं होगी और ये तमाम छोटे अल्फाज में लिखी जाएगी, छोटी ABC में लिखेंगे, ठीक है। MOON मून पहला पासवर्ड है, ठीक है। तो मैं अभी आपने करना क्या है, सिंपली काइन मास्टर एप्लीकेशन ओपन करके दिखा देता हूँ कि इसकी क्या क्या खसूसियात हैं, ठीक है। बहुत सारे भाई उनके पास होता है कि ग्रीन स्क्रीन वीडियो का प्रॉब्लम होता है, काफ़ी चीज़ों की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो भाई ये सेटिंग का ऑप्शन है, इधर से भी आके आप ये कर सकते हैं, इसमें चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं। मैं अभी आपको चेक करवा देता हूँ, ठीक है। कोई ग्रीन स्क्रीन का ऑप्शन का मसला आता है, कोई चीज़ का मसला आता है, तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये पिक्चर है, मैं दो पिक्चरें अभी लगा देता हूँ, कुछ पिक्चरें लगा के दिखाता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही हम ये करेंगे न्यू वर्जन में कुछ ज़्यादा इफेक्ट आ गए हैं, ठीक है। तो जो आप यूज़ करके अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली अभी छोटा सा कि मतलब इस प्लस के निशान पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये ट्रांजैक्शन इफेक्ट है, ठीक है, कि इस तरीके से ये पिक्चर दूसरी नीचे आ जाएगी, आगे पीछे ये पिक्चरें होंगी, ठीक है। इस तरीके से तमाम वीडियो पे प्लस के निशान पर क्लिक करके इस तरीके से हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने इधर से ये नीचे लास्ट पे आके गेट मोर के ऑप्शन पे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, काफ़ी इफेक्ट होंगे इधर से, ये ट्रांजैक्शन इफेक्ट, ठीक है। तो उसके अलावा आप ये देख सकते हैं लेयर के ऑप्शन पे आके इधर से जितनी मर्जी लेयर आप लेके आ सकते हैं, कि होते हैं ना कि आप एक या दो ही लेयर लेके आ सकते हैं, नहीं भाई, अभी आप अपनी मर्ज़ी से जितनी मर्ज़ी एक टाइम पे एक ही जगह पे जितनी मर्ज़ी लेयर लेके आ जाए। आप वीडियो देखेंगे कि काफ़ी मतलब ऐसी है काइन मास्टर एप्लीकेशन जिनमें एक टाइम में एक ही लेयर होती है वीडियो के नीचे। तो ये देखिए इस टाइम दो हैं, तो इस तरीके से आप दो वीडियो भी लेके आ सकते हैं एक टाइम में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर प्रॉब्लम होती है तो ये सेटिंग का ऑप्शन है, ठीक है, ये सेटिंग, ठीक है, इधर से आप आके सेटिंग इसमें सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें यहाँ से ये ऑडियो के लिए, वीडियो के लिए, ठीक है, के फेड वगैरह लगाना चाहते हैं या एडिटिंग के लिए है, या एडिटिंग फिट इन स्क्रीन, ठीक है, फिल स्क्रीन डिफ़ॉल्ट पेन जूम मेड फॉर आ फोटो क्लिप, ये स्क्रीन के लिए कि आप फुल स्क्रीन रखना चाहते हैं या फिट स्क्रीन रखना चाहते हैं वो कैसे है, या उसके अलावा ये स्पीड पे है कि फ़ोटो क्लिप पे ड्यूरेशन कितनी रखना चाहते हैं। तो ये काफ़ी इसमें मतलब आप चेंजिंग कर सकते हैं यहाँ से, काफ़ी इन चीज़ों की यहाँ से चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने करना क्या है, जैसे इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, अभी इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। तो सिंपली अभी करना क्या है कि मिसाल के तौर पे मैं कोई पिक्चर ले आता हूँ या कोई भी चीज़ ले कर आ जाता हूँ, तो जैसे कि ये पिक्चर ले आया हूँ, ठीक है। तो हमारी कोई भी पिक्चर होती है तो कुछ इस तरीके से हम बढ़ाते हैं, ठीक है। तो हमने करना क्या है, सिंपली अगर इसको हम दो हिस्सों में करना चाहते हैं, जैसे हम कोई यहाँ पे, जैसे मिसाल के तौर पे हमारी गलती या वॉइस की, क्योंकि छोटे यूट्यूबर ऐसे ही करते हैं कि सारी बात है, जब न्यू बनाते हैं चैनल तो कोई ना कोई गलती हो जाती है रिकॉर्डिंग के दौरान। तो आपने करना क्या है, ये कैंची के दरमियान पर क्लिक करना है और स्पेल टायर प्लेयर, ठीक है, इस पर क्लिक कर देना है, और दोबारा फिर आपने थोड़ी सी आगे आना, जहाँ पर वो वीडियो का आपकी गलती क्लियर हो जाती है आपने वहाँ से आके इसे कट कर देना, ठीक है, ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्लेयर, ठीक है। तो
कुछ इस तरीके से कर देना है। इसी तरीके से आपने ये कट कर देना, उसके बाद इसको इसके साथ मैच कर देना, ठीक है, यहाँ पकड़ के, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से मैच हो जाएगा। तो बाकी रही वो ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट की, वो भी मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। तो वो करना है कि आपने के मतलब इधर आना लेयर के ऑप्शन पे, ठीक है, इधर से ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट आपने चूज़ करना है जहाँ पे आपके पास पड़ा हुआ, ठीक है, मैं वो ले आऊँगा, ठीक है, ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट, ठीक है। तो मेरे पास जहाँ पे पड़ा होगा वो फाइल में जाऊँगा तो वहाँ से मैं वो लेके आऊँगा, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे मैंने ये डाउनलोड किए हुए हैं, ठीक है, ये पॉपअप वगैरह, ठीक है, जैसे कि ये देखेंगे कि सब्सक्राइब, बेल आइकन पे क्लिक, तो ये अभी कुछ इस तरीके से होंगे। तो आप ये YouTube पे भी सर्च कर सकते हैं इन चीज़ों के, ठीक है, पॉपअप के, ग्रीन स्क्रीन पॉपअप फॉर YouTube चैनल, ठीक है, सब्सक्राइब या इस तरीके से आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है, YouTube से, तो उधर से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो नन कॉपीराइट लिख के आपने फिर सर्च करना है, फिर आप यूज़ भी कर सकते हैं वीडियो में, ठीक है। ये क्रोमा की क्या ऑप्शन पे आऊँगा अभी, ठीक है, इसे एनेबल करूँगा, ठीक है। तो काफ़ी दोस्तों के ये मसला होता है, ये कलर है जैसे, ठीक है, तो कलर हो सकते हैं इधर वाइट हो, तो इस वजह से मिसाल के तौर पर जैसे इधर वाइट है, ठीक है, ओके, तो ये इस तरीके से आ जाए। तो अभी आपने करना क्या है भाई, आपकी ग्रीन स्क्रीन है तो इधर से कलर ग्रीन आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, जैसा कलर है वैसे आपने वो सेलेक्ट कर लेना है। तो ये ऊपर यहाँ से आपने कमी बेशी कर लेनी है इसमें के मतलब जहाँ पे वो ग्रीन कलर बिल्कुल ख़त्म हो जाए, ठीक है, साइड लाइन पे, ठीक है, तो उसको ख़त्म कर देना। मैं अभी आपको इसको स्टार्ट करके दिखा देता हूँ, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आएगी। तो इस तरीके से ये आप ग्रीन स्क्रीन भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये आप देखेंगे, मैं अभी आपको इसके ओवरले वगैरह भी चेक करवा देता हूँ। इसमें काफ़ी न्यू स्टाइल के न्यू वर्शन के यही फ़ायदा होता है कि इसमें ओवरले भी न्यू इफेक्ट लग जाते हैं, ठीक है, काफ़ी ये ओवरले हैं, ठीक है। तो उसके अलावा काफ़ी इसमें आपको इफेक्ट भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो सेव करने का क्या ऑप्शन है इसमें, ये सेव करने का ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ से। और यहाँ पे आप अगर आप उर्दू फॉन्ट इसमें यूज़ करना चाहते हैं वो भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है, टेक्स्ट वगैरह वो भी आपको मैं लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ मैं लिखूँगा जमील लोरी फाउंट, जैसे मैंने ये जमील लोरी फाउंट लिख लिया मैं ओके करूँगा, ठीक है। ओके करने के बाद इसका थोड़ा साइज़ बड़ा करूँगा, साइज़ बड़ा करने के बाद ये डबल ए के ऑप्शन पे आऊँगा, ठीक है, और यहाँ से वो सिलेक्ट करूँगा कि कहाँ पे वो मैंने रखे हैं जो मतलब अपने मैंने लिखे हुए हैं। तो ये वाला बेवन है, ठीक है, इस पर ओके करके अभी आपको दिखा दूँ। ये देखिए आपको ये मैंने उर्दू फाउंट इंस्टॉल किए हुए हैं, अभी मज़ीद मैं आपको चेंज करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये फाउंट के ऑप्शन पे आऊँगा, ठीक है, जहाँ पे भी आपके पास पड़े होंगे आपने चेंज कर लेने वहाँ से, ठीक है। तो मेरे पास ये स्पोर्ट्स मिल क्लोडी इटैलिक, ठीक है, इस पर क्लिक करूँगा। तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके से उर्दू फाउंट भी है, ठीक है, इसमें स्ट्रोक वगैरह लगा सकते हैं। ये शेडो, ठीक है, ये शेडो है मिसाल के तौर पे, ये मैं ब्लू कलर के लगाता हूँ, इसे फुल कर लेता हूँ, ओके कर लेता हूँ, ठीक है, और ओके कर देता हूँ इधर से। अभी क्या करूँगा, दोबारा फिर इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है, और इधर से आउटलाइन दे लूँगा, ठीक है, आउटलाइन भी ब्लू कलर का ही दे लूँ तो वो बेस्ट रहेगा, ठीक है, ओके कर दूँगा। ये देखिए ये कुछ इस तरीके से आपको नज़र आएगा कि इसमें कितनी शाइनिंग, आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये फाउंट इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वीडियो का दूसरा पासवर्ड जो है वो है फाउंट, FONT, ठीक है, दूसरा पासवर्ड ये है, ठीक है, आपने इसको भी कर देना, डिलीट कर देना, ठीक है। तो सिंपली अभी करना क्या, सेव करने का ऑप्शन आपको दिखा देता हूँ। तो उससे पहले ये देख सकते हैं ये काफ़ी इफेक्ट इसमें होंगे, ठीक है, आप काफ़ी इफेक्ट लगा सकते हैं। मैं एक और लेयर ला के आपको दिखा देता हूँ कि और कौन कौन से इफेक्ट हम लगा सकते हैं, ठीक है, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद इधर से आके इसको दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं, ठीक है, सॉरी अगर गलती हो जाए, यहाँ से आप बैक आ सकते हैं, ठीक है, तो इसको दो हिस्सों में क्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ये कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे आप ऊपर क्लिक करके, ठीक है, इन एनिमेशन मिसाल के तौर पे इन एनिमेशन वगैरह यहाँ पे लगा सकते हैं। ये काफ़ी इसमें न्यू फैक्ट होंगे, ठीक है, ये जो चीज़ें इन एनिमेशन होंगे सभी में। तो आप कहेंगे कि भाई आप ये चीज़ें हमें पता है तो आप फिर भी दिखाते जा रहे हैं। तो ये देखें भाई, अभी ये एडजस्टमेंट कलर, तो अभी मेरे पास मैं अभी वीडियो भी ला के आपको दिखा देता हूँ कि साउंड में भी आप इफ़ेक्ट लगा सकते हैं, न्यू वर्शन में ही ये चीज़ें होंगी।
ओल्ड वर्जन में ये चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो मैं कोई वीडियो आपको ला के दिखा देता हूँ कि कोई भी वीडियो जो मेरे पास पड़ी हो, ठीक है। मिसाल के तौर पे इधर से मैं कोई वीडियो ले लेता हूँ, ठीक है, कोई भी वीडियो सिलेक्ट कर लूँगा अभी इधर से। तो जैसा कि मैंने ये वीडियो सिलेक्ट की है, ठीक है, तो इसको करूँगा ओके। ओके करने के बाद दोबारा फिर इस वीडियो पर क्लिक करूँगा, नीचे आऊँगा, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पर ये सारे वीडियो के इफेक्ट हैं, ऑडियो इफेक्ट हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लगा सकते हैं, आपकी वॉइस में कोई इफेक्ट आता है, कोई नॉइस वगैरह आता है, वो आप सिलेक्ट करके इसमें कोई चेंजिंग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये आपको काफ़ी सारे इसमें नए में मिलेंगे, ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। तो ये देखें यहाँ से आप वीडियो का ऑडियो भी बना सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो ये फाइल है, जैसे इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है, तो आज की फाइल का तीसरा पासवर्ड जो है वो है वीडियो, VIDEO वीडियो। तो एक्स्ट्रैक्ट ऑडियो पे क्लिक करूँगा, ठीक है। जैसे मैंने क्लिक किया, ये देखें ये ऑडियो भी इसकी मिल गई हमें, ठीक है। अभी इसे चाहे हम डिलीट कर दें अगर वीडियो की ज़रूरत नहीं है, तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने करना क्या, वीडियो को सेव करना, ये ऊपर कॉर्नर पर क्लिक किया, ठीक है, यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पे आप वीडियो फुल HD में भी सेव कर सकते हैं, HD में भी। यहाँ फ्रेम रेट जो अपनी मर्ज़ी से रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से हाई लो क्वालिटी जो अपनी रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ तक ही रखता हूँ, तो कि मिसाल के तौर पर 100 से 150 से 200 GB तक की, सॉरी MB तक, तो इतने ही ज़्यादा से ज़्यादा रखता हूँ। तो आप 720 में भी रख सकते हैं, उसके अलावा 1080 में भी रख सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। तो आज की वीडियो का चौथा जो पासवर्ड है वो है फ्रेम, FRAME, ठीक है, FRAME। तो दोस्तों ये देखें इस तरीके से आप ये काइनमास्टर एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, इसमें काफ़ी मतलब आपको सहूलियात मिलेंगी, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई। अगर ये वीडियो पसंद आई, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कर ले। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।